इसके मिलने से ही एक अच्छा वृक्ष तैयार हो सकता है। बाबा साहब की जिंदगी में जहां भी कोई भी कैसी भी दिक्कतें आई, जो कल शेयर भी हुई हमसे कि उनको चाहे क्लास में नहीं बैठने दिया गया, चाहे पानी के लिए नहीं उनको परमिशन मिली, हर संकट को अपने जीवन में लेते हुए उन्होंने शिक्षा को आगे बढ़ाया और न सिर्फ विविध विषयों में उन्होंने अपना शिक्षा ग्रहण किया, भारत में, विदेशों में। जब मैं अपने पिताजी से पूछता हूं कि पिताजी की इतनी शिक्षा कैसे हो सकती, इतनी डिग्री कैसे हो सकती है, तो माय फादर इज अ प्रोफेसर इन क्षेत्रा यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा कि बेटा ये भारत है जहां एक टाइम पे दो डिग्री नहीं कर सकते हैं, विदेशों में आपकी कैपेबिलिटी होनी चाहिए, आप एक साथ 10 डिग्री भी कर सकते हैं, आपके साथ कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और जब आप बाबा जी का पूछ रहे हैं तो उन्होंने एक 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 साथ दो दो डिग्रीज की हैं, तो वो अपना टाइम शेड्यूल बांट के रखते थे कि ये टाइम इकोनॉमिक्स को देना है, ये टाइम इसको पेपर को देना है, ये टाइम इसको देना है। और पिताजी ने बताया कि उन्होंने एक साथ 11-11 पेपर दिए हैं और उस इतनी सख्त मेहनत के बाद, 11-11 पेपर देने के बाद आपको हैरानी होगी और मुझे कहते हुए बहुत प्रशंसा और बहुत फख्र हो रहा है कि उन विषयों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया। ये न सिर्फ इस देश के लिए फख्र की बात है, ये उन विश्वविद्यालयों के लिए भी फख्र की बात है। और आज भी वो फख्र महसूस करते हैं जब भी बाबा साहब का नाम लिया जाता है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे न्याय का क्षेत्र हो, चाहे कॉम्पिटिशन का क्षेत्र हो, चाहे वो संविधान बनाने को लेकर हो। अभी कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले अपने देश में एक डिबेट चला था किसी एक शब्द को लेकर, तो मुझे अपना एक टीवी ने फोन किया कि सर हम आपका इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं इसके ऊपर, इस शब्द के ऊपर, शायद सेकुलरिज्म था, कि आप इस पे कुछ जो है वो आज शाम का इंटरव्यू है और आप आमंत्रित हैं। तो मैंने कहा मुझे सिर्फ 1 घंटा दे दो अभी, फिर मैं कंफर्म करूंगा। उस 1 घंटे में मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पार्लियामेंट्री डिबेट खोली और इस शब्द को ढूंढा। आपको हैरानी होगी, इस शब्द को लेकर पार्लियामेंट्री डिबेट में 2 दिन तक बहस चली है और फाइनली बाबा जी ने कहा कि नहीं, इस शब्द को डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता है, यही एक ऐसा देश है जहां पे अलग अलग धर्म एक ही सूत्र में है, उसको परिभाषित करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यही एक देश है जहां पर किसी धर्म, किसी मजहब, किसी जाति, किसी व्यक्ति को अलग नहीं देखा जाता है, उसे भारतीय, उसको हिंदुस्तानी कह के ही बुलाया जाता है। यही एक देश है जहां धर्म जाति मनुष्य को परिभाषित करने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इस शब्द की भी आवश्यकता नहीं है। बहुत ज्यादा डिबेट हुआ, लेकिन इस डिबेट के बावजूद डॉक्टर अंबेडकर जी के जो विवाद है, जो उन्होंने अपना जो इसके रखा, उसको पढ़ने के बाद मेरे अंदर इतना ताकत आया, 1 घंटे बाद जब फोन आया तो मैंने कहा हाँ यस, अब मैं तैयार, क्योंकि मुझे एक बेस मिला कि हाँ, संविधान की प्रक्रिया को शुरू करते हुए बाबा साहब ने जिन कोमा, फुल स्टॉप, छोटे छोटे शब्दों को लेकर जितनी गहराई से अपने वक्तव्य रखे हैं संविधान सभा में,
वो तभी हो सकते थे जब उस बच्चे में अच्छी खाद, अच्छा पानी डाला, शिक्षा। इसीलिए जब हम बात करते हैं शिक्षा और स्किल की, वो तभी पूरा हो पाएगा जब हम शिक्षा को अपने जहन में डालें अंदर और उसे ग्रहण करें, न सिर्फ ग्रहण करें, शिक्षा को ग्रहण करके उसको गुणों को भी धीरे धीरे फैलाएं, तभी हमारी स्किल जो है वो ज्यादा मजबूत हो पाएगी, दिशावान हो पाएगी, और तभी हम एक शिक्षित व्यक्ति सही नजरों में, बाबा साहब की नजर में कहलाए जाएंगे, अदरवाइज हम शिक्षित व्यक्ति नहीं है। इसीलिए उस शिक्षा को न सिर्फ अपने जीवन में ग्रहण करना है, उसको अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने देश में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब तक हम विस्तृत तौर पे नहीं जान पाएंगे, तब तक इस विषय को, इस शिक्षा को हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए आज का ये विषय एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट इसीलिए रखा गया है, और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे साथ आज एमिनेंट स्पीकर्स हैं जो अलग अलग विषय से हैं और बहुत अच्छे से आपको इस पे अपना वर्तमान में शिक्षा और स्किल में क्या रिलेशन होना चाहिए, उसके अंदर इंटर रिलेशन क्या है, कितना महत्व है एजुकेशन एंड स्किल का, इसके बारे में आपको बताएंगे। मैं फोरम ऑफ SC/ST पार्लियामेंटेरियंस एंड लेजिस्लेचर्स की तरफ से श्री थावरचंद गहलोत जी का हार्दिक स्वागत करता हूं। श्री थावरचंद गहलोत जी, आप न सिर्फ सामाजिक विषयों में, आपने देश को अलग अलग विषयों में न सिर्फ दिशा दी है, उस पर अपना समझदारी के साथ ओपिनियन रखते हुए समाज के लिए, देश के लिए बहुत अच्छा काम किया है। श्री गहलोत जी शाहजहांपुर से संबंधित हैं और न सिर्फ मध्य प्रदेश, इस देश की जनता को आपका बहुत प्यार मिला है सर, श्री चरणजीत सिंह अटवाल जी को निवेदन करता हूं कि वो श्री थावरचंद गहलोत जी को मंच पर लेकर आए। हैव अ बिग हैंड। जगन्नाथ सीनियर साइंटिस्ट फॉर इसरो, प्लीज शेयर द लाइट विद अस। आई इनवाइट प्रोफेसर विजय कुमार, वाइस चांसलर CDLU यूनिवर्सिटी सिरसा हरियाणा, इनवाइट प्रोफेसर कृष्णा यादव, मेंबर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दिल्ली, आई इनवाइट श्रीमती विजय लक्ष्मी जी, आई इनवाइट डॉक्टर गुलशन शर्मा डायरेक्टर जनरल, वाइस प्रेसिडेंट एशियन मोटिवेटर फोरम एंड NSI फिशिंग स्कूल नेटवर्क, आई इनवाइट प्रोफेसर अरविंद आरोप जी चेयरमैन
बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट का उनके श्री अरविंद जी।